एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मनु पति महेंद्र सिंह भरतपुर से हैं। गुरुजी, शिव महापुराण का क्या वर्णन करूं, मेरी बच्ची ने आपके बताए अनुसार एक लोटा जल का प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा मेरी बच्ची जैसा गवर्नमेंट एग्जाम चाहती थी, एक नौकरी चाहती थी, बाबा की कृपा से उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। तनिष्क वैष्णव, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूँ। भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। कोटड़ी का निवासी हूँ गुरुदेव। मैं 10th क्लास से आर्मी की तैयारी कर रहा था और जब से मैंने तैयारी शुरू की तब से मैं रोज महादेव के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाने जाता हूँ। मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं करी, कहीं किसी एकेडमी में जाकर नहीं गया, घर पर ही पेपर की तैयारी करी, फिजिकल की तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत पूरी करना, शंकर पर भरोसा रखना। मैंने बाबा पर भरोसा रखा, तैयारी करी। मैंने मात्र 2 महीने की तैयारी में बाबा की कृपा से आर्मी का एग्जाम पहले ही प्रथम में ही सफल प्रयास में पास किया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरा फिजिकल टेस्ट भी हुआ, उसमें भी बाबा ने मुझको उत्तीर्ण कर दिया है और बाबा की कृपा से मैं हर परीक्षा में पास होते जा रहा हूँ। ये शिव की कृपा है और अब मैं भारतीय सेना में चयन हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। आजा बाबू, आजा आजा, जल्दी आ, दौड़ कर। मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया, मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। दुनिया के लोग एकेडमी में जाते हैं, कोई कोचिंग करता है, मैंने मेरे बाबा के चरणों की कोचिंग करी, बाबा के चरणों का स्मरण किया। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।